गलवान घाटी पर चीन के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, वहीं चीन के 43 सैनिक मारे गए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखिए। सोमवार की रात एलएसी पर हुई चीन के साथ झड़प में भारत माता के 20 सपूत वीरगति को प्राप्त हुए। सामने आया है कि चीन को इस हिंसक झड़प में दोगुनी क्षति उठानी पड़ी है। अपनी कारस्तानी में नापाक चीन के 43 सैनिकों का नुकसान हुआ है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई यह हिंसक झड़प कोई भी रुख अख्तियार कर सकती है। बताया गया है कि चीन के 43 सैनिक गंभीर घायल और मृतक हैं। भारत के जो सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनमें एक कर्नल रैंक का अधिकारी भी शामिल है। भारतीय सेना ने इस घटना के बाद आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि मंगलवार दोपहर में खबर आई थी कि एक अफसर समेत 3 जवान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। सेना की ओर से कहा गया है कि 17 गंभीर रूप से घायल सैनिक भी शहीद हुए हैं। चलिए अब आपको बता दें कि इस झड़प में चीन को कितना नुकसान हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन की तरफ से 43 जवान हताहत हुए हैं। हताहतों में मरने वाले और गंभीर रूप से घायलों की संख्या शामिल है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये भी कहा है कि चीन की तरफ से हताहतों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि चीन की तरफ की बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया है, उसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच अप्रैल से तनातनी जारी थी। मई में भी 2 बार हिंसक झड़प की बात सामने आई थी और इसके बाद से ये गतिरोध लगातार जारी है। कोरोना संकट के बीच एलएसी पर जारी इस तनाव को कम करने और यथास्थिति बरकरार रखने के लिए अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई है जो कि असफल रही। 15 जून की रात गलवान की घाटी के पास बिना गोलीबारी के जो ये संघर्ष हुआ इसे बीते 4.5 दशकों में सबसे गंभीर झड़प बताया गया है। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब स्थिति सामान्य करने की ओर कदम बढ़ रहे थे। इस हिंसक झड़प के बाद और इतने बड़े स्तर पर हानि होने के बाद सभी वार्ता प्रयासों पर अब पानी फिर गया है। इसके 3 साल पहले डोकलाम में चीनी भारतीय सैनिकों के बीच लंबा गतिरोध चला था।